गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग आजकल दिन भर कैरम लूडो खेल के समय पास कर रहे हैं, तो थोड़ा समय उसमें से आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वीडियो के माध्यम से, आप इसको भी देखें। पेरेंट्स भी, क्योंकि छोटे बच्चों पे जब तक पेरेंट्स उनको बैठाएंगे नहीं या उनको देखने के लिए करेंगे नहीं, तो बच्चे खेलने में अपने में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा आप लोग भी सहयोग करें जिससे छोटे बच्चों की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। बच्चों, आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं तो किस तरह से आप उसको पढ़ें, उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन उसका आप किस तरह से करें कि वो शब्द आप सही तरीके से बोल पाएं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट के किस अक्षर से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। जैसे हम ए से अगर वॉवेल को छोड़ करके हम आपको जैसा बताए हैं कि स्वर और व्यंजन, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये दो टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं। जैसे हमें अगर इंग्लिश में हिंदी में क लिखना है, या इंग्लिश में मान लीजिए के के है, तो हम एक के क क से ही के बना है, तो हम जान लेते हैं कि इसको हमें क पढ़ना है, क पढ़ना है। इसी के आगे यानी अगला अक्षर इसका अगर आपको प्राप्त करना है, यानी आपको ख करना है, तो इसी के आगे हम एच को बढ़ा देंगे, यानी के था क के लिए तो के एच हो जाएगा ग के लिए। फिर हम आएंगे ग पर जो जी से बनता है, और इसके अगला बनाने के लिए हम एच का प्रयोग फिर कर देते हैं, तो अर्थात जी और एच का प्रयोग कर देते हैं, ये घ बन जाता है। तो इस तरह से जिन स्पेलिंग में इससे शुरुआत होती है, इससे शुरुआत होती है, इससे शुरुआत होती है, तो आप इन शब्दों का उच्चारण हिंदी में करेंगे। इसी प्रकार से और भी देखें, सपोज ये च है तो ये सी एच से बनता है, सी और एच, जहां आपको सी एच आए वहां आप च का प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि बताएं इसके आगे अगला एच लगा देने पे वो अगला अक्षर बन जाता है, यानी कि सी हम एच एच कर देते हैं तो ये अगला अक्षर आपका बन जाता है। हम जे बोलने पे भी जे है, अर्थात ज, जे अगर ये ज बनता है तो इसमें जे एच अगर कर देते हैं तो अगला अक्षर इसका झ बन जाता है, झरना। इसी प्रकार से टी है, अगर हम इसको ट के नाम से जानते हैं तो ट का अगला अक्षर क्या होता है, ठ होता है, तो हम टी में एच को फिर जोड़ देते हैं, यानी कि अगला अक्षर बनाने के लिए आपको के में एच जोड़ेंगे तो अगला अक्षर ख बन जाता है, जी में ग है तो जी में एच जोड़ देते हैं घ बन जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे आप सब में एच एच जुड़ता जाएगा, अगला अक्षर बनता जाता है ये, और इसी में एच जोड़ देते हैं तो ठ अगला अक्षर बन जाता है, या इससे थ भी बनता है, दोनों अक्षर ये बनाए जाते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह से मिलाकर आप पढ़ सकते हैं। वॉवेल्स का प्रयोग बताएंगे आपको, हम डी से ड का प्रयोग करते हैं, ड या अगर हम डी एच कर देते हैं तो ये ढ हो जाता है, यानी एच बीच में जोड़ जाता है। हम अगर टी करते हैं तो ये प बनता है, लेकिन पी में एच जोड़ देते हैं तो ये फ बन जाता है। हम बी लिखते हैं तो ये ब बनता है, लेकिन बी और एच लिख देते हैं तो भ बन जाता है। तो बच्चों हम इस तरह से पढ़ने में हम प्रयोग करते हैं, और स्पेलिंग बनाने में आप आसानी से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी ये अक्षर घ घ घ अपूर्ण है,
जब तक हम इस क को हम इस रूप में होता है, ये इस रूप में होता है, अर्थात ये सभी अपूर्ण है, ये पूरे नहीं है, ये सभी अक्षर पूरे नहीं है अगर इनपे जब तक कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। मात्राओं में हमने आपको बताया था ए ई आई ओ यू का प्रयोग करते हैं, इन मात्राओं में हम ए ई आई ओ यू इन्हीं से ही हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। हम आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं और छोटी ई का मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। अगर ये बड़ी ई है तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं, ओ है तो हम ओ का प्रयोग करते हैं, अ है तो हम ए और यू दोनों को साथ रख लेते हैं, ए यू, और ए है तो हम सिंगल ई का प्रयोग भी करते हैं, और इसके अलावा ए है, अगर ये ए है तो हम ए और आई का प्रयोग करते हैं। अब यू का प्रयोग, यू का प्रयोग हम ओ की मात्रा के लिए भी करते हैं, ओ के लिए भी करते हैं, ऊ के लिए भी करते हैं, ऊ के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, और अगर बड़ा ऊ है तो हम डबल ओ का प्रयोग करके हम उस शब्द को बना देते हैं। जैसे हमें अगर लिखना है र त न, हमें इसकी स्पेलिंग बनानी है र त और न की, तो हम देखेंगे र है, र आर से बनता है, ये र बनता है र, तो हम सबसे पहले इसी का प्रयोग करते हैं, और टी से हम देखेंगे त और ट, ये दोनों का प्रयोग टी से होता है, ट और त ये दोनों ही हम प्रयोग त से ही करते हैं। तो इन्हीं में से हम हेल्प लेकर के हम जिन शब्दों का, जैसे एम है मौ के लिए होता है, वाई है य के लिए प्रयोग किया जाता है, आर ही है र के लिए, तो इन्हीं शब्दों के प्रयोग से कुछ ऐसे एन न के लिए प्रयोग किया जाता है, न के लिए होता है, तो इनका हम प्रयोग करके हम इनकी स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि ये सभी अक्षर अपूर्ण हैं, क ख ग घ, इसलिए इसमें जब दो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन एक साथ हो तो हम बीच में ए का प्रयोग करते हैं स्पेलिंग बनाते हुए। तो हम इसकी स्पेलिंग कैसे करेंगे, आर ए टी के लिए, त के लिए हम टी का प्रयोग करेंगे, यहां से देखेंगे त है तो टी, फिर यहां पे व्यंजन है इसलिए फिर ए, फिर न के लिए हम एन का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसकी स्पेलिंग बना भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, यानी स्पेलिंग बनाना और उसको पढ़ना, उसका उच्चारण करना, ये कम से कम फर्स्ट सेकेंड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको पढ़ना मिला करके उसको किस तरह से किस अक्षर से क्या बन रहा है उसको मिलाकर पढ़ें और उसकी मात्राओं को कैसे प्रयोग करें। हालांकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे अपवाद भी हैं कि किसी से कुछ भी बन जाता है, लेकिन मुख्यतः बेसिक नॉलेज इतना आपको रखना चाहिए कि किस चीज से क्या बनता है। अब आपको कुछ शब्द हम यहाँ पे दे रहे हैं जिनकी आप इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में आप उसको लिखेंगे, राइट इन रोमन इंग्लिश, जैसे हम आपको दे रहे हैं क म र प ल ट, ल चूंकि एल से बनता है प ल ट, ख ट प ट, अभी मात्राओं का प्रयोग हम इसमें नहीं दे रहे हैं, आपको मात्राओं का प्रयोग फिर देंगे, सिर्फ दो व्यंजन एक साथ में तो बीच में ए लगाया जाता है और लास्ट में ए को नहीं लगाया जाता, क र व ट, व के लिए हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं,
वा और म ग ह र। आप इनकी स्पेलिंग रोमन इंग्लिश में ही लिखें, जैसे हमने आपको रतन की बताई R A T A N, इसी प्रकार से इनकी इंग्लिश आप बनाने की कोशिश करें इनकी मदद से। तो अगर आप ऐसे एक हफ्ता भी प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा कि इससे कौन सा अक्षर बन रहा है, कैसे उसको हम उच्चारित करें, प्रोनाउंसिएट करें, इससे आप सीख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।